हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CTR कैसे बढ़ाना है। दोस्तों अगर आपका CTR बढ़ेगा तभी आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। दोस्तों वैसे तो मैटर करती है इंप्रेशन, CTR और ऑडियंस रिटेंशन वीडियो को वायरल करने में। आपको तीनों चीज़ों पर मैं अलग अलग टाइम पर वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक CTR पर है। तो दोस्तों CTR बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत से क्रिएटर्स ने CTR पे वीडियो बना रखी है लेकिन आपको ये नहीं बताया कि CTR कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या करना है कि आपका CTR इंक्रीज हो जाए। दोस्तों कई ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी जिसपे 25-40% तक उनका CTR बढ़ चुका होता है और उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसा क्या किया होता उन्होंने अपनी वीडियो में कि उनका CTR इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम अपना CTR बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको वीडियो एंड तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं CTR होता क्या है। दोस्तों CTR क्लिक थ्रू रेट होता है। अगर थंबनेल लोगों को अच्छा लगेगा तभी वो उस वीडियो को क्लिक करेंगे। उसे जो मतलब क्लिकिंग मिलती है, अगर आपके 100 में से 25% CTR आ रहा है तो मतलब 25% लोग आपकी वीडियो को वॉच कर रहे हैं YouTube के इम्प्रेशन से। तो YouTube को लगता है कि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है और उसे वायरल करना चाहिए, 100 लोगों के पास और भेजेगा। और उसके बाद भी अगर आपका CTR मान लो 12% आ रहा है तो भी आपकी वीडियो रैंक करने के चांस होते हैं, वायरल होने के चांस नहीं होते। वायरल होने के लिए हमें कम से कम 25-40% CTR चाहिए। मतलब दोस्तों ऐसा लक बाय होता है कि अगर आपकी वीडियो पे 25-40% CTR आ जाए। तो दोस्तों आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि आपका CTR इतना ज़्यादा ग्रो हो जाए। अब बात करते हैं आपको CTR कैसे बढ़ाना है। दोस्तों ध्यान देना, अगर आप कोई थंबनेल बनाते हो उसके कलरिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके CTR पे। दोस्तों अगर आपके कलरिंग बहुत अच्छी है, कलर करेक्शन बहुत अच्छी दी हुई है तो आपका CTR 14-15% तक बढ़ जाएगा। अगर आप उस थंबनेल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे, मतलब कलरिंग के साथ फॉन्ट स्टाइल अच्छे हो जाएंगे, आपके फोटो का मतलब रिएक्शन अच्छा हो जाएगा, तो आपका CTR 25% तक पहुंचने के चांस हैं। तो दोस्तों आपको कैसे थंबनेल बनाने चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपना कंटेंट अपने माइंड से क्रिएट करते होगे। तो दोस्तों मैं एक बार आपको अपने थंबनेल्स की झलक दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरा पहला थंबनेल था और ये थंबनेल अब है। तो दोस्तों इन दोनों में से आप किसे देखना पसंद करोगे। दोस्तों अगर आप इस थंबनेल को पसंद कर रहे हो तो इसका मतलब इसमें कलरिंग अच्छी है और इसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और इस थंबनेल में आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसलिए आप इस थंबनेल को क्लिक नहीं करोगे। अगर आपको ये थंबनेल नज़र आएगा तो आप इसी को क्लिक करोगे। इसे CTR बढ़ना बोलते हैं कि आपकी आँखों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है तो आप उसी पर क्लिक करोगे, इससे आपका CTR बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी ऑडियंस पर डिपेंड है यार, आपको अपने थंबनेल में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। सभी चैनल्स वाले करते हैं, आप भी करते रहना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये अगर मेरे टिप्स को अप्लाई करते हो तो आपको 110% प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों CTR बढ़ाने का यही एक बहुत बढ़िया तरीका है। आपके फेस रिएक्शंस और आपके कलरिंग और आपके फॉन्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी कलरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब डार्क कलर्स हैं, आपको सिर्फ कलरिंग और फॉन्ट्स और अपने रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है तभी आपका CTR बढ़ पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, मैं मिलता हूँ नई वीडियो में।